नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, लेकिन आज क्लास लगेगी आम आदमी बताकर, पॉलिटिक्स में खुद को आम आदमी बताकर पॉलिटिक्स में आने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे आम से खास हो गए, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। और ऑपरेशन शीश महल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है इस वक्त। टाइम्स नाउ ने भारत के ऑपरेशन शीश महल ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया है, और ऑपरेशन शीश महल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सच दिखाया है उससे आम आदमी, जो असली आम आदमी है, वो शॉक्ड है, वो हैरान है। भाई, लोगों ने अरविंद केजरीवाल के इस आंदोलन में जिससे वो राजनीति में चमक गए, उसके लिए लोग कहां कहां से इंडिया से आते थे भाई कि ये आदमी पॉलिटिक्स बदलने आया है। लोग अपना पैसा लगा रहे थे कि लो लो मेरे से भी पैसा लो लेकिन इंडिया बदल दो। इन्होंने तो घर के पर्दे बदले तो 1 करोड़ लगा दिया, घर के मार्बल बदले तो 3 करोड़ लगा दिया। ये केजरीवाल किसने देखा था? 11 करोड़ रुपए से ज्यादा तो केजरीवाल के घर के इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च हो गए भाई, 11 करोड़। 6 करोड़ से ज्यादा रुपए स्टोन और मार्बल की फ्लोरिंग पर खर्च हुए, 1 करोड़ रुपए सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर खर्च हो गए, 2.5 करोड़ रुपए करीब करीब इलेक्ट्रिकल फिटिंग और गैजेट्स अप्लायंसेस पर खर्च किए गए। इलेक्ट्रिकल फिटिंग भाई 2.5 करोड़ रुपए की, आम आदमी इतने ऐसा करोड़ों का इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगा ले उसको तो करंट मार देगा इसी में कि बॉस ये करोड़ों की इलेक्ट्रिकल फिटिंग कैसे होती है। 2.85 करोड़ रुपए फायर फाइटिंग सिस्टम पर खर्च हुए, करीब 1.5 करोड़ रुपए वार्डरोब पर यानी अलमारी बनाने पर, एसेसरीज पर, फिटिंग्स पर खर्च कर दिए। 1.10 करोड़ रुपए किचन पर खर्च हो गया, किचन पर 1.10 करोड़, और वो भी उस दौर में जब कोरोना का संकट काल चल रहा था और लोग सोच रहे थे हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। 1.10 करोड़ का किचन बना है बॉस, पैंट्री, किचन, अप्लायंसेस के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आज एक एक डिटेल आपको दिखाऊंगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हमारे रिपोर्टर खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री दरवाजा खोलेंगे और हमारा कैमरा अंदर जाएगा और दिखाएगा कि अंदर क्या। आप ही बताइए ना बॉस, एक मिडिल क्लास आदमी अपने घर को रेनोवेट करने के लिए कितना खर्च कर सकता है? 2-4 लाख रुपया, बहुत ज्यादा हुआ तो 10 कर देगा, उसके बाद तो बस कर देगा कि नहीं इससे ज्यादा नहीं खर्च होगा रेनोवेशन पे। लोग कहते हैं इतने इससे ज्यादा खर्चा करेंगे तो नया घर नहीं ले लेंगे, लेकिन जो आम आदमी की राजनीति करने का दावा करते हैं उनके घर का रेनोवेशन कॉस्ट आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक एक डिटेल आज आपको बढ़कर बताता हूं, क्योंकि अभी जो बिल मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां क्या क्या पैसा लगा है, आपके कान से धुआं फेंक देगा बॉस, कान से धुआं। ये सुनिए, 44 करोड़, 78 लाख रुपए इतना पैसा खर्च हुआ है किस पर? अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को शीश महल की तरह चमकाने। 44 करोड़ 78 लाख, और यह अरविंद केजरीवाल की जेब से नहीं गया बॉस, हमारी आपकी जेब से गया, यह सरकारी पैसा है। और मैंने तो यहां तक स्कोप दिया था कि चलिए सरकारी पैसा है, अधिकारियों ने हो सकता है गलत कागज बना दिए हो, अरविंद केजरीवाल घर का दरवाजा खोले दिखा दें कि भाई हमारा घर देख लो, मैं तो कुटिया में रहता हूं, हमारा रिपोर्टर खड़े हैं, 3-3 रिपोर्टर खड़े हैं उनके घर के बाहर, कोई घुसने नहीं दे रहा है। अच्छा, इतना नहीं करते तो इसी बाबत खोल दें घर, लोग तो कह रहे हैं कि भाई टिकट ले लो, टिकट लगा दो, टिकट का पैसा ले लो, लेकिन घर में 8 लाख का पर्दा कैसा होता दिखा दो, हमने 8 लाख का पर्दा नहीं देखा। लोग कह रहे हैं 3 करोड़ का मार्बल कैसा होता है, एक बार उस पर लेट के ही देख लें, उसका टिकट ले लो लेकिन दिखा दो। आप सोचिए ना, 44 करोड़ 78 लाख का रिनोवेशन होता है बॉस, इतने में तो नया घर बन जाता है। और अभी कोई एक बार हिसाब बता रहे थे, संगीत रागी प्रोफेसर है, इतने में तो पूरा का पूरा कॉलेज बन जाता है। आपको मैं बताऊं, ये 44 करोड़ 78 लाख ये जो अरविंद केजरीवाल के घर को शीश महल बनाने उसकी तरह चमकाने में खर्च हुए, इसमें क्या क्या हो सकता था आपको पता है? 1 क्लासरूम, सिर्फ आपको क्लासरूम और मोहल्ला क्लिनिक बताता हूं, ये इसी की बात बोलते हैं ना कि भाई हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। 25 लाख रुपए का 1 क्लासरूम अगर मान के चलिए तो इस 44 करोड़ 78 लाख रुपए में 180 क्लासरूम बन सकते थे।
और ये भी कोई ऐसे छोटे मोटे क्लासरूम नहीं भाई, हाई क्लास क्लासरूम बनते, सुपर फैसिलिटी वाले, 25 लाख का अगर एक बजट, एक क्लासरूम का बजट रख रहे हैं, 180 क्लासरूम बनते हैं, लेकिन वो तो चला गया पैसा शीश महल की तरह बनाने में। एक मोहल्ला क्लिनिक अगर 20 लाख रुपए का भी बनाते तो 224 मोहल्ला क्लिनिक बन सकते थे, अरविंद केजरीवाल के घर को राजा की तरह चमकाने में जितना पैसा खर्च हो गया। केजरीवाल के घर को सजाने में जो करीब करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, अब उसकी डिटेल सुनिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल के बंगले की हालत बहुत खराब थी और उसे ऐसी मरम्मत की जरूरत थी कि उसमें करोड़ों रुपए के कंस्ट्रक्शन का काम करवाना पड़े, तो बॉस ऐसा बिल्कुल नहीं। ये करोड़ों रुपए का खर्च केजरीवाल के बंगले को सजाने में लगा है। आप सोचिए कि किसी के घर में कर्टेंस यानी पर्दे ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए के लग जाएंगे, 500 न 100 रुपए, 1000 रुपए का पर्दा लगता है। बहुत ब्रांडेड ले लीजिएगा तो 1000 न 2000 का ले लीजिएगा, 5000 का ले लीजिएगा, 7000 का ले लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो पर्दे लगाए गए उनमें एक एक पर्दे की कीमत सुनिएगा तो कान का पर्दा जो है झंझन आ जाएगा। एक पर्दे की कीमत 5,05,087 रुपए, दूसरे पर्दे की कीमत ये देखिए, ये तो आपको प्रतीकात्मक दिखा रहा हूं, इसी टाइप के पर्दे लगे हैं। एक पर्दा 5,05,000, दूसरा 6,22,340 का पर्दा, तीसरे पर्दे की कीमत 5,59,162 रुपया, चौथे पर्दे की कीमत 7,94,071 रुपया, पांचवा पर्दा अरविंद केजरीवाल के घर का 3,57,291 रुपया, छठा पर्दा 5,84,794 रुपया का, सातवां पर्दा 6,913 रुपया का, आठवां पर्दा 3,92,247 रुपए का है। ऐसे 8 पर्दे लगे हैं जिनकी कीमत 45,58,640 रुपए का। 45 लाख का पर्दा लग गया भाई, ये क्या ऐसा कौन सा रिनोवेशन की जरूरत होती है? कितने लोग कह रहे हैं कि बॉस एक बार हमको ये पर्दा छुअलवा दे केजरीवाल जी, हम जीवन भर वोट देंगे, एक बार छुआ दे कि कैसा ऐसा पर्दा होगा। लेकिन बात सिर्फ 8 पर्दे की नहीं है, 8 पर्दे में काम नहीं चला भाई, शीश महल 8 पर्दा में काम चलेगा, 23 पर्दे लगे हैं, 23 पर्दे लगे केजरीवाल जी के घर में। 8 का बिल है, 8 पर्दे का बिल आया करीब करीब 45,58,640 रुपया, 45,58,640। बाकी जो 15 पर्दे हैं उनका बिल कितना आया, 51 लाख, और ये इनमें से कुछ अभी लगने हैं, इनका ऑर्डर गया हुआ है शायद, 564 यानी अगर इन 8 और 5 यानी 23 पर्दा हुआ, इसका बिल जोड़िएगा तो ये बैठ रहा है 97 लाख रुपया, 97,23,234 रुपया। 97 लाख का जब अपनी जेब से खरीदना पड़ता है ना, तो आदमी जो है या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है या इधर उधर से कुछ करता है तब होता है, लेकिन सरकारी पैसा जाता है तो किसी को लगा। 1 करोड़ में लोग बॉस घर खरीद लेते हैं, और 1 करोड़ का घर खरीदने वाले कितने होंगे इस देश में, यहां 1 करोड़ का पर्दा लग रहा है, लगभग 1 करोड़ का पर्दा। 15 लाख रुपए के खर्च ने आपको चौंका दिया कि भाई 15 लाख रुपए 15 टॉयलेट में खर्च हो गए। अब जो आगे आपको बताने जा रहा हूं उसे देखकर सुनकर तो आप सकते में आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में 2 टॉयलेट में ऐसे कमोड लगे हैं जिनकी कीमत आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे बॉस। और ये मैं अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मंगाया गया था कि भाई ऐसा ऐसा लगना है, उसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि 2 कमरे में ऐसे कमोड लगने हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी दिखाएंगे घर तब ना पता चलेगा कि कैसा लगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाथरूम है, 2 बाथरूम, उसमें 1 कमोड, मतलब 2 बाथरूम में लगे हैं, और 1 कमोड की जो कीमत है
सुनिएगा कितनी है। अगर खड़े हैं तो बैठ जाइए, नहीं तो गिर सकते हैं आप चक्कर खाके। एक कमोड 4,27,872 रुपया का, 4,27,872 रुपए का एक कमोड लगा है, यानी दो बाथरूम में दो कमोड लगे हैं, उसकी कीमत है 8,55,744 रुपए। ये जो लगाने के लिए टेंडर है उसमें ये रिक्वायरमेंट बताई गई, 8,55,744 रुपए के दो कमोड लगे हैं भाई, जिस पर बैठकर आप सुबह सुबह निवृत्त होते हैं। आदमी जिस चीज पर बैठकर हल्का होता है उसके लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई हल्की कर देगा। कितने लोगों की भाई कमाई जो है वो एक एक साल में लोगों का इतना सैलरी पैकेज होता है, कितने लोग साल में 8-9 लाख रुपया कमाते हैं भाई। यहां दो कमोड 8 लाख रुपया, 8.5 लाख रुपया का। अच्छा आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है भाई इन कमोड में, ऐसी क्या सीट बाथरूम में लगा दी जिसकी कीमत 8.5 लाख रुपए से ज्यादा है, ये आपको दिखाऊंगा। लेकिन सोचिए 4,27,000 रुपए में एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए मारुति ऑल्टो आ जाती भाई, मारुति ऑल्टो आ जाती। यहां टॉयलेट में सीट लग रही, कहा जा रहा है कि जनता के टैक्स के पैसे को केजरीवाल ने टॉयलेट में फ्लश कर दिया, अपने पैसे से थोड़ी लगाए भाई। जिन टॉयलेट्स में 15-15 लाख का सामान लगवा दिया गया, 4-4 लाख की स्मार्ट कमोड सीट लगी हो, सोचिए वो कैसा आलिशान टॉयलेट होगा। पहले आपको वो स्मार्ट टॉयलेट कमोड सीट दिखा देता हूं जिसकी कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा है। ये है वो सीट जो 4 लाख रुपए से ज्यादा लिखा है डॉक्यूमेंट में, यही वाला चाहिए दो बाथरूम। इसमें सेंसर लगे हुए हैं और इसे चलाने के लिए बकायदा रिमोट दिया हुआ है भाई, ताकि सीट एडजस्टमेंट हो सके। ये देख रहे हैं रिमोट है। इसके अलावा सीट का टेम्परेचर, पानी की सप्लाई, टाइमिंग सब सेट होता है। ये रिमोट आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों एक एक सीट की कीमत 4,27,000 रुपए है। जरा वो डालिए, दिखाता हूं इनको जरा। ये वो रिमोट है भाई, इसको जरा जूम करके दिखाइए। ये वो टॉयलेट सीट का रिमोट, और इसको पॉज कीजिए यहां। अब आप देखिए जरा इसमें क्या क्या है। आप रिमोट लेके बैठ गए, अभी तक तो लोग मोबाइल ही लेके जाते थे। सोचिए किस आम आदमी के घर में आपने ऐसा देखा होगा। ये देखिए, कवर उठाना है तो उसके लिए बटन है, खुद नहीं उठाएंगे, बटन दबाइए कवर उठेगा। सीट उठाना है उसके लिए बटन है, सीट दबाइए उठ जाएगा। अगर आपको बहुत पर्यावरण की चिंता है तो इको फ्लश है, वो कीजिएगा तो कम पानी इस्तेमाल करेगा। फुल फ्लश है, अगर आपको लग रहा कि नहीं पूरे के बिना काम नहीं होगा तो फुल फ्लश करेगा, बटन खाली दबाना है। सीट का टेम्परेचर है, ठंड में कई लोग सोचते हैं कैसे जाएंगे, बहुत ठंडा होगा, सीट पर बैठने में दिक्कत होगी, टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, वैसे गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। स्टॉप है, फ्रंट है, रेयर है, ड्रायर लगा हुआ है, माता पीट लेगा आदमी। क्लीन करने के लिए यूवी टेक्नोलॉजी है, पानी जो आएगा वो किस टेम्परेचर पर आएगा वो आप सेट कर सकते हैं। पानी जो आएगा वो मसाज करेगा, स्पाइरल मसाज करेगा, कैसा प्रेशर होगा भाई साहब, कान से धुआं फेंक दिया गया, ऐसा ऐसा भी चीज होता है, हम लोग तो जीवन में नहीं देख पाएंगे लगता है। सेंसर, ऐसा ऐसा टॉयलेट लगा है भाई। आम आदमी के घर में क्या मैं बोलूं, और ये मुझे खुद अजीब लग रहा है दिखाने में, लेकिन ये दिखाना इसलिए पड़ रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा अगर लगता हो तो लोग घर में क्या क्या लगवा लेते हैं सोचिए। और ये नहीं लगा है तो मैं तो फिर कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी दरवाजा खोलने दिखाएं, डॉक्यूमेंट में तो यही वाला लिखा है तो हम निकाल के दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल जी घर खोलें दिखाएं, देखिए यार एकदम सिंपल बाथरूम। सेंसर लगे होने की वजह से बाथरूम में घुसने के बाद ये कमोड अपने आप खुल जाता है, इसमें ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम है, यानी ये अपने आप ही पानी की सप्लाई खोलकर फ्लश कर देता है। इसमें परफ्यूम भी फिट है ताकि बाथरूम में खुशबू बनी रहे। आमतौर पर 5-star या 7-star होटल्स में शानदार बाथरूम होते हैं,
लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनमें स्मार्ट बाथरूम ही हो, क्योंकि आजकल स्मार्ट बाथरूम का फैशन चल गया। खर्चों की लिस्ट को देखकर यह साफ है कि केजरीवाल ने अपने बंगले की सजावट और सुविधाओं से लैस करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वो पैसा अपना नहीं, वो पैसा टैक्स पेयर का। वैसे पानी से याद आया कि केजरीवाल ने अपने बंगले के हर हिस्से में ठंडे पानी के साथ साथ गर्म पानी की भी पूरी व्यवस्था की हुई। इसमें खर्चा कितना आया आपको पता है? 19 लाख रुपए से ज्यादा। इसके लिए केजरीवाल के बंगले में 4 हॉट वाटर जनरेटर लगाए गए। आप में से बहुत लोग तो ये नाम ही पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों के घरों में पानी गर्म करने के लिए तो गीजर लगता है, वो भी 5 से 15 हजार रुपए में मिल जाता है। लेकिन केजरीवाल जी के बंगले में कुछ अलग इंतजाम। पहले आपको हॉट वाटर जनरेटर के बारे में बताता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हॉट वाटर जनरेटर क्या होता है तो आप हैरान रह जाएंगे। ये एक तरह का एडवांस गीजर होता है जो बड़े आकार के टैंक जैसा दिखता है, देख रहे हैं, ऐसा होता है, और इसे बिजली, डीजल और गैस तीनों से चलाया जाता है। लेकिन केजरीवाल के बंगले पर जो हॉट वाटर जनरेटर लगे हैं वो बिजली से चलते हैं और इसकी कैपेसिटी 450 लीटर। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें गर्म पानी के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ता, बस नल खोलिए तुरंत गर्म पानी मिलता है। इसकी वजह भी समझाता हूं। करीब 450 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक में 760 से 860 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, उस पर पानी गर्म होता है। वैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन नल में जो पानी की सप्लाई होती है उसका तापमान सिर्फ 65 डिग्री होता है, जिससे आराम से नहाना या दूसरे काम किए जा सकते हैं। ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक तरीके से होती है। इसका दूसरा फीचर यह भी है कि बहुत ज्यादा मिनरल्स वाले हार्ड वाटर को भी ठीक कर देता है। जो लोग कहते हैं ना कि पानी बहुत खराब है, इससे बहुत बाल झड़ रहे हैं, वो हार्ड वाटर की वजह से होता है। केजरीवाल जी के बंगले में 4 हॉट वाटर जनरेटर लगे। इसमें एक की कीमत 2,01,642 रुपए, बाकी 3 की कीमत 17,35,191 रुपए, और कुल कीमत मिला लीजिएगा तो 19,36,833 रुपए। तभी मुझे लगता है केजरीवाल जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं एकदम ऐसा लगता है अभी अभी नहा के आए। केजरीवाल जी के बंगले में 15 बाथरूम, तो इस हिसाब से हर बाथरूम में गर्म पानी का खर्चा करीब 1,29,000 रुपए बनता है। इतने महंगे सामान लगे तो सोचिए बंगले के दूसरे हिस्सों में कितनी कीमती चीजें लगी हों। उसकी डिटेल भी आपको बताता हूं। केजरीवाल जी के बंगले पर बिजली की फिटिंग का खर्च 2,58,00,000 रुपए आया। स्मार्ट लाइटिंग पर जो खर्च आया है वो 87,75,000 रुपए, 87 लाख। स्मार्ट सीलिंग फैन पर जो खर्च आया है वो करीब करीब 6,17,000 रुपए। स्मार्ट सीलिंग फैन तो आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ये आपके हमारे घर में रहने वाले पंखे नहीं है, ये बटन से स्टार्ट नहीं होते, बस ऑडियो कमांड दीजिए और चालू हो जाते हैं, रिमोट से चलते हैं। रिमोट से चलने वाला पंखा भाई है, पंखा चलो तो चल गए। अब किचन में लगी सुविधाओं के बारे में भी सुन लीजिए। किचन और अप्लायंसेस पर जो खर्च आया है वो 1,10,00,000 रुपए का आया। इसमें क्या क्या शामिल है भाई? इसमें अगर आप देखेंगे इन पैसों में स्टीम ओवन है, माइक्रोवेव है, बारबेक्यू चारकोल ग्रिल है, गैस स्टोव है, चिमनी जो है वो खरीदी गई है। 1,10,00,000 रुपए की फिटिंग है किचन। अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिन्हें एक्स्ट्रा खर्चों का नाम दिया गया, जिसका नाम सुनकर आप कहेंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है भाई, इसकी कीमत सुनकर आपको झटका लगेगा। जैसे अगर आप देखेंगे आर्टिस्टिक एंड ऑर्नामेंटल वर्क, इस पे 5,06,93,351 रुपया खर्च हुआ। डिजाइनर एक्सेसरीज, इस पे 48,24,365 रुपया खर्च हुआ। स्पेशल फीचर्ड यूपीवीसी डोर विंडो, इस पे 81,11,127 रुपया खर्च हुआ। और ये जो अलग अलग आप देख रहे हैं इन सबको अगर आप मिला दीजिएगा तो इन सबको मिलाने पर जो खर्च बैठता है मिसलेनियस 6,36,31,743 रुपया।
भाई साहब 6,36,00,000 रुपए का ऐसा ऐसा खर्च है जिसके बारे में आपको समझ ही नहीं आया। आर्टिस्टिक एंड ऑर्नामेंटल वर्क क्या होता है भाई? आमतौर पर ऐसा काम भव्य मंदिरों और महंगे होटल्स में होता है जिनमें शानदार झूमर लगती है, दीवारों पर बहुत कलात्मक काम होता है। वैसी चीजों पर 6,36,31,743 रुपए खर्च कर दिए गए। अब आप सोचिए, और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि नहीं जी, इससे पूछिए, उससे पूछिए, उसने कितना खर्च किया इतना। अरे किसी से क्यों पूछेंगे भाई? आप ना बोल के आए थे कि मैं ये सब नहीं करूंगा। आप ना बोल के आए थे कि राष्ट्रपति भवन हटाइए या आम आदमी को जगह दीजिए। आप ना लिख कर दिए थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये सब नहीं करूंगा। आपने घर छोड़ा था ना कि भाई मैं इसे घर में नहीं रहूंगा, लेकिन आप जवाब नहीं देते बंदा। अरविंद केजरीवाल के पूरे बंगले को देखेंगे तो इस सरकारी बंगले में अगर आप देखेंगे जिसे हम शीश महल कह रहे हैं, उस केजरीवाल जी के शीश महल में, केजरीवाल के शीश महल में, और इस शीश महल को जब आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है? 2 फ्लोर का है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और इसमें बेडरूम कितने हैं? बेडरूम है 7 बेडरूम का घर है भाई, 7 बेडरूम। बेटा बेटी, अरविंद जी, उनकी पत्नी और उनके माता पिता, कहा जाता है इतने ही लोग रहते हैं। बेटा तो शायद बाहर पढ़ता, चलिए मानते हैं कि रहता होगा। अरविंद जी पत्नी 1 कमरा, माता पिता 1 कमरा, बच्चों को मान लीजिए आप 1-1 कमरा अलग से देंगे तो भी 4 कमरे, 4 बेडरूम। यहां 7 बेडरूम है बॉस, 7 बेडरूम। अच्छा चलिए भाई, किचन आम आदमी के मसीहा के शीश महल में 2 किचन है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। यहां लोग जॉइंट फैमिली में, आम आदमी जो है एक किचन से काम चलाता है, यहां 4 लोगों के 5 लोगों के परिवार में 2-2 किचन। इसके अलावा डाइनिंग रूम आप देखिए, इसमें 2 डाइनिंग रूम है, खाने का एरिया भी 2 है, रिसेप्शन एरिया 1, वेटिंग हॉल 1, 1 लिफ्ट लगी है, और भाई साहब 1 जिम भी है, 1 जिम। ये सारी चीजें वहां मौजूद है। और ये वो नेता हैं जो आलीशान बंगले की बात तो दूर, कहते थे कि उन्हें 4-5 कमरे वाले घर से ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं, इनको पूरे घर में 4-5 कमरे चाहिए थे। अब इनके खुद के घर में सिर्फ बेडरूम 7 है। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था उस जमाने में। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा? तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। पब्लिक को कहा चिंता मत करो, इससे ज्यादा बड़ा मकान नहीं लूंगा। बात तो ठीक की, मकान नहीं लिया, फिर सीधा शीश महल ही ले लिया। लेकिन जब से ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हमने किया, तब से केजरीवाल इस पर खुद कुछ नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे। हमने लाइव जनता से सवाल पूछा अपने अलग अलग शो में, देश भर से रिएक्शन मंगाया। केजरीवाल जी सुनिए, पब्लिक आपके
45 करोड़ के शीश महल पर, 8-8 लाख के पर्दे पर, 4-4 लाख के कमोड पर, 3 करोड़ के फर्श पर क्या बोल रही है, सुनिए आप भी। अरे नहीं भैया, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हम तो आम आदमी है, ये आम आदमी का है कमोड, 8 लाख 4 लाख की कमोड लगा हुआ है, जो पिछवाड़ा भी धोने के लिए उड़ के 8 लाख रुपया लगा हुआ है। नहीं सर, मैं तो इतने का कमोड अपने घर में आपने लगवाया? मैंने तो सर सोचा है कि ये केजरीवाल ऐसा भ्रष्ट आदमी हमने दुनिया में नहीं देखा सर, इसने बड़ा मोदी सरकार के ऊपर ताने कसता है कि ऐसा पढ़ा लिखा, ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान, बड़ा सोच समझ के घोटाला किया है। उन्होंने जो तरीके से सिंपत्ति ली थी कि बाबा एक सीधा आदमी से, हम सामान्य आदमी है, वो हिसाब से जनता ने उन्हें चुन के दिया था, आज मुख्यमंत्री बनाया, 2 स्टेट में उनका सरकार चल रहा है। लेकिन आज जब उनका ये न्यूज हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग भी शॉकिंग हो गया कि अरे आम आदमी करके हम लोग जिसको देखते थे, आज वो आदमी ऐसा कैसे, ये आदमी के बारे में ये सब न्यूज चल रही, इस बारे में थोड़ा हम लोग भी थोड़ा शॉक हो गए। सामान्य मुख्यमंत्री जो इतना साल से, 10 साल से वो बता रहे कि मैं आम आदमी से आया हूँ, मैं आम आदमी हूँ, तुम्हारे जैसा ही मैं आदमी हूँ, और वो आदमी आज के तारीख में अपने बंगले के ऊपर, जो बंगले में वो शीश महल में रह रहे, वो शीश महल के अंदर रिनोवेट के लिए 45 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, वो 45 करोड़ रुपये में एक बंगला आ जाएगा दिल्ली में, और वो सिर्फ वो रिनोवेट के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, मतलब वो कौन से हिसाब से वो आम आदमी। केजरीवाल जब भी दिखते हैं तभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही दिखते हैं, अगर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, गवर्नमेंट का पैसा बचाते हैं, तो ये क्या है, 45,000 करोड़ समथिंग जो भी अमाउंट उन्होंने रिनोवेशन के लिए लगाया है, वो बहुत मतलब आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, वो मतलब वो अननेसेसरी इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, मतलब ये बहुत निंदनीय बात है। इस तरह अभी जा रहे हो, मतलब जो गुमराह करके पब्लिक का पैसा अपने घर के लिए और सब हर चीज के लिए जो खर्चा कर रहे हो, सब गलत बात है, वो नहीं करना। न्यूज में हम लोग देख रहे हैं इतने करोड़ों रुपए उन लोग अपने घर के लिए, सब पार्टी के लिए खर्चा कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो पार्टी करप्ट की तरफ जा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के लिए कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, मध्य प्रदेश बनाएंगे, आज वही भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ के बैठ गए, मतलब ये तो सफेद चादर ओढ़ के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, मतलब ऐसा कोविड काल के दौरान जो इनके बंगले में काम हुआ, और जो ये कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार से मदद मांग रहे थे, जबकि इस तरीके से अगर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है तो वो बहुत निंदनीय है, और अगर केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं तो उनको इसका जवाब देना चाहिए, और अगर वो कह रहे हैं कि हमने ये नहीं किया तो आज जनता को उनका महल दिखा दे, लाइव करवाएं सारी चीजें। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ एक वीडियो ट्वीट किया, सर ये भी पब्लिक ही है और सिर्फ दिल्ली की नहीं है, अलग अलग जगह की है, और ऑपरेशन शीश महल मुझे पता है आप देख रहे हैं घर के अंदर, आपको भी दिख रहा है पब्लिक क्या बोल रही है। ये जो लोग कह रहे हैं, क्या केजरीवाल इन्हें जनता नहीं मानते क्या, वो खुद क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? उनके घर के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है, सोशल मीडिया पर ऑपरेशन शीश महल ट्रेंड कर रहा है, लेकिन बात बात पर विधानसभा सत्र बुलाकर ये कहानी वो कहानी सुनाने वाले ये नहीं बता पा रहे कि शीश महल में क्यों रह रहे हैं, ये नहीं दिखा पा रहे कि आओ देखो ये शीश महल नहीं है, और अगर शीश महल में रह रहे हैं और अंदर से आत्मा जो है कचोट रही है तो खाली कर दें शीश महल, बोले कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं रहूंगा, मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं, मैं रास्ता भटक गया था, टाइम्स नाउ नव भारत ने मेरी आंखें खोल दी, मैं शीश महल खाली करता हूं, क्यों नहीं करते ऐसा? उल्टे केजरीवाल की पार्टी के लोग बंगले के खर्च को डिफेंड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इतना पैसा इसलिए लगा क्योंकि घर तोड़कर बनाया गया, एक तरह से न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है न्यू कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन क्या इसकी परमिशन थी आपके पास, क्या टेंडर इसी नाम पर निकाले थे आपने कि आपको घर तोड़कर बनाना है? पहले आम आदमी पार्टी की सफाई को सुन लीजिए, फिर आपको दिखाता हूं कि इन्होंने टेंडर काहे के निकाले थे। मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई, 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। जिस घर की आज आप बात कर रहे हैं, जिस पर इतना बवाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी, मैं उस पर आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस घर में जब रहते थे वो घर 1942 का बना हुआ था, लगभग 75 साल से भी ज्यादा पुराना, 80 साल पुराना मकान था। इस मकान को तोड़ के नया बयाना बनाया जाए,
तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने तोड़ के मकान को नया बनाया। अरे भाई, अगर घर जर्जर हो गया था तो बनाते कौन मना कर रहा है? लेकिन 8 लाख का पर्दा, 4 लाख का कमोड, 3.5 करोड़ का फ्लोर नहीं लगाते, ऐसा आलीशान महल जैसा घर ना खड़ा करते तो क्या घर खड़ा ही नहीं हो पाता? दूसरी बात, आपने सुना ना, ये खुद कह रहे हैं कि घर तोड़कर नया बना है। हमने पाठशाला में कल ही बता दिया था कि बंगले को बनाने के लिए इन्होंने इजाजत एडिशन और ऑल्टरेशन के नाम पर ली, जबकि पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया। मतलब किसी से कहा कि लाओ ना, मैं तुम्हारी कार से कहीं जाता हूं, मुझे बस सब्जी लेकर आना है, और उसके बाद गाड़ी की रजिस्ट्री अपने नाम पर करा ली। किसी से कहा कि कुछ दिन के लिए अपना घर मुझे किराए पर रहने दो, और उसके बाद घर ही अपने नाम पर करा लिया। ऐसा होता है क्या? जबकि संबंधित विभाग ने आपत्ति जताई थी कि छोटे मोटे बदलाव करने की बात कहकर नई बिल्डिंग बना रहे हैं जी। और आप देखिए, ये आपको कॉपी दिखा रहा हूं, जो टेंडर निकला उसमें भी लिखा है कि ऑल्टरेशन करना है और नया घर बना लिए। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जिस बंगले में केजरीवाल रहते वो 80 साल पुराना था, लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल रहे हैं, वो इस दावे को ही गलत बता रहे हैं। उनका दावा है कि बंगला 1940 में बना ही नहीं, बल्कि 70 के दशक में बना था। सुनिए दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल ने क्या बताया हमें। आई वॉज लिविंग देयर इन द नेबरिंग हाउस इन द 70s व्हेन आई वाज फाइनेंस सेक्रेटरी, एंड next door was this house, 6 Flagstaff Road, where the chief minister moved in now. This was an official residence of the chief secretary, and it was made, to the best of my knowledge, in the 70s, not in the 40s as some newspapers are claiming. Maybe there was some building there in the 40s, but that was demolished, and this chief secretary's complex came in the 40s. And before the present chief minister moved in, it was always occupied by chief secretaries. यानी पूर्व चीफ सेक्रेटरी जो उसी घर के बगल में रहते थे जहां आज केजरीवाल जी रहते हैं, उमेश सहगल, वो कह रहे हैं कि अगर इमारत इतनी कमजोर हो चुकी थी तो उसमें एक नया फ्लोर कैसे जोड़ा गया? और ये तो 40 में बना ही नहीं, 40 के दशक में, ये तो 70s में बना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बता दूं, आप कितना भी घर का दरवाजा बंद कर लीजिए, हमारे सवाल बंद नहीं हो। और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इस देश में नेताओं की भी कुछ जिम्मेदारी है।